किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं नीता सिंह। साल दर साल हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचाते रहे हैं, आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी। आज के कार्यक्रम में हम आपको राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन की कुछ झलकियां भी दिखाएंगे और साथ ही होंगे तीन सेगमेंट, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों, तो आइए शुरू करते हैं पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। मशीनों ने लोगों के जीवन को बहुत आसान कर दिया है। खेती बाड़ी के व्यवसाय में भी मशीनें वरदान साबित हो रही हैं। मशीनों से न सिर्फ किसानों का समय बच रहा है, उनका काम आसान हो गया है और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसी ही एक मशीन वैज्ञानिकों ने बनाई है धान की सीधी बिजाई के लिए। ऐसी फसल है जिसे दुनिया भर में किसान आज भी हाथ से ही बोना पसंद करते हैं। खास तौर से इसकी रुपाई हाथों से की जाती है। हालांकि इस काम में मेहनत भी ज्यादा लगती है और लागत भी बढ़ जाती है। इसकी वजह ये है कि धान को लगाने से पहले खेत में पानी भरकर गाद उठानी पड़ती है, लेकिन सभी किसान हाथ से इसकी रुपाई करते हो ऐसा भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस मुश्किल काम के लिए भी कई तरह की मशीनें इजाद की है। पैडी ट्रांसप्लांटर्स को भला कौन भूल सकता है। इन मशीनों से मैट टाइप सीडलिंग की जाती है, लेकिन ये प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम किसान के पसीने छूट जाते हैं। इस इस्तेमाल के लिए पौध को अलग अलग आकार की बनी ट्रे में तैयार किया जाना जरूरी है। फिर जब पौध तैयार हो जाती है तो उसे निकाल कर खेतों में लगाया जाता है। रुपाई के दौरान ट्रे से एक एक पौधा नहीं उखाड़ा जाता, बल्कि पूरी ट्रे से चटाई की तरह तमाम पौधे एक साथ निकालने होते हैं। ये काम काफी महंगा है, जिससे फसल लागत बढ़ जाती है और पेचीदगियों की वजह से किसान इसे अपनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इस तरह की रुपाई के लिए ट्रांसप्लांटर बनाए गए हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि उनकी दक्षता अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग है। इन सभी बातों की वजह से इस मशीन को भारत में तेजी से लोकप्रियता नहीं मिल पाई। धान की सीधी बिजाई की विधि भी अब किसान अपनाने लगे हैं। ये विधि धीरे धीरे किसानों के बीच अपनी जगह बना रही है। इसमें पौध तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बीज को सीधे मुख्य खेत में बो दिया जाता है। लेकिन इस तरह की बुआई के लिए अलग विधि अपनानी होगी। अच्छी तरह चुड़निल मिट्टी में धान के सूखे बीज मिलाने होंगे और फिर उन्हें खेत में बिखेरना होगा। उसके बाद जुताई वाले यंत्रों से उसे खेत में मिलाया जाता है। समस्या ये है कि इस विधि में कोई बीज ज्यादा गहराई में चला जाएगा और कोई कम गहराई में। इससे जमाव एकसार नहीं हो पाता और कहीं बीजों के बीच फासला कम रह जाता है तो कहीं ज्यादा। रुपाई विधि के मुकाबले इसमें लागत कम आती है और पानी की भी अच्छी खासी बचत हो जाती है, लेकिन इस विधि में सिर्फ कम अवधि वाली किस्में ही कामयाब है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चावल व गेहूँ बोने का सरल सा उपकरण तैयार किया। इस यंत्र में बीज दर को नियमित करने की अद्भुत क्षमता है। ये ऐसा यंत्र है जो कतार से कतार के बीच और पौधे से पौधे के बीच पर्याप्त फासला रख सकता है। धान गेहूं बोने का ये उपकरण चूंकि दो कतारों के बीच पर्याप्त फासला रखता है, इसलिए खरपतवार होने पर किसानों को उसे हटाने के लिए यंत्र चलाने में आसानी रहती है। रुपाई विधि में जहां आपको दर्जन भर मजदूर चाहिए, वहीं इस यंत्र से सीधी बिजाई करने के लिए सिर्फ दो आदमी पर्याप्त है। बिहार के अंदर और बाहर कई स्थानों पर इस मशीन को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश हो रही है। खेत में जाकर इसका प्रदर्शन किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश में जो किसान पहले छिड़कवा विधि से धान की सीधी बिजाई करते थे, उनका अनुभव कहता है कि इस यंत्र से बिजाई करने पर ज्यादा उत्पादन हुआ है। ये रिक्शे के आकार की तीन पहियों वाली मशीन है और इसे चलाने के लिए न इंजन की जरूरत है और न ही डीजल पेट्रोल की। किसान आसानी से इसे खींच सकता है। हाँ, कुछ जगह किसानों को ज्यादा खरपतवार की समस्या से जूझना पड़ता है, लेकिन ऐसी मशीन की वजह से नहीं, बल्कि इसके दोषपूर्ण संचालन के कारण हुआ।
इसलिए मशीन को इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह चलाना जरूर सीख ले। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस किसान ने भी इस मशीन का उपयोग किया वो इसके परिणामों से संतुष्ट दिखा। किसान भाइयों, अब वक्त हुआ है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं वर्तमान समय में कौन से कृषि कार्य करने चाहिए। आज हम आपको बताएंगे हरी खाद की फसल के लिए किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मिट्टी में जैव पदार्थ एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हरी खाद का उपयोग लाभकारी है। हरी वनस्पतिक सामग्री के उसी खेत में उगाकर या किसी अन्य स्थान से लाकर खेत में मिलाने की प्रक्रिया को हरी खाद देना कहा जाता है। हरी खाद के उपयोग से अगली फसल में उर्वरक की कम आवश्यकता होती है। हरी खाद के लिए मुख्यतः दलहनी फसलें उगाई जाती हैं। ग्रीष्म काल में हरी खाद के लिए सनई या ढैचा की बीज दर क्रमशः 6 से 70 एवं 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। उपरोक्त फसल की बुआई अप्रैल माह के अंत तक अवश्य कर लेनी चाहिए। कृषि दर्शन कार्यक्रम में यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और फिलहाल वक्त हो गया है सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। अगर कोई गांव सूखे की चपेट में आ जाए तो वहां पर किसी भी तरह का विकास नामुमकिन है, और इसका असर कृषि पर भी पड़ता है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है। पर अगर सीमित संसाधनों का उपयोग सही से किया जाए तो समस्या से बचा जा सकता है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है एक किसान पोपटराव बागूजी पवार ने, जिन्होंने अपना जीवन सूखाग्रस्त इलाकों को हरा भरा करने में समर्पित कर दिया, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। पोपटराव बागूजी पवार का जन्म 1960 में महाराष्ट्र में हुआ। इनकी शिक्षा पुणे में हुई, जहां से इन्होंने एमकॉम की डिग्री हासिल की। इनके गांव में सिर्फ पवार ही थे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। पोपटराव बागूजी पवार एक किसान और सरपंच हैं, जिन्होंने आदर्श गांव की नींव रखी है। पवार पिछले 20 सालों से गांव की सेवा में लगे हुए हैं। अपने गांव के प्रति निष्ठा और गांव के विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए इन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हेवारे बाजार पंचायत, जो कि जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में आती है, वहां पोपटराव सरपंच का कार्यभार संभालते हैं। सरपंच होने के अलावा पवार आदर्श गांव कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक भी हैं। उन्होंने एक सूखा ग्रसित गांव को हरा भरा और सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। साल 1989 में बारिश के अकाल के चलते गांव में सूखा छा गया था। गांव में सूखा पड़ने के कारण पूरे गांव वाले लोगों को कृषि उपज, कम साधन और शराब जैसी कई अन्य समस्याओं से गुजरना पड़ रहा था। गांव में पानी की कमी की वजह से कृषि उपज भी नहीं हुई, लेकिन गांव के सरपंच बागूजी ने हार नहीं मानी और अपनी नियत को साफ रखते हुए सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ गांव वालों को पहुंचाया और पेड़ लगाने का काम शुरू करवाया। बागूजी पवार की मेहनत ने पूरे गांव को फिर से हरा भरा कर दिया।
बाबूजी पवार ने गांव में पड़े सूखे की स्थिति से निपटने व गांव की स्थिति को सुधारने के लिए पानी बचाने के लिए कई नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। पानी का सही उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया ताकि गांव वालों को पानी की समस्या से न गुजरना पड़े। बाबूजी पवार ने गांव के विकास के लिए पिछले 20 साल में हजारों पेड़ पौधे लगवाकर हिवरे बाजार को एक ग्रीन मॉडल विलेज बनाया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार में साल 1990 में सिर्फ 90 कुएं थे, लेकिन सरपंच पवार ने पिछले 20 सालों में ऐसा काम किया कि आज गांव में 294 से ज्यादा कुएं हैं। बागुजी पवार की मेहनत ने हिवरे बाजार को एक स्वच्छ और हरे भरे गांव में बदल दिया है। पवार ने अपनी नीतियों से गांव को विकास के मॉडल में बदल दिया है। साथ ही उन्होंने इस क्षेत्र के किसानों और युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल भी बनाई है। उनकी सफलता को सरकार द्वारा खूब सराहना मिली है। देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, ऐसे में किसान और खेतिहर मजदूर खेतों में पसीना बहा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। वहीं केंद्र और राज्य सरकारें ये सुनिश्चित कर रही हैं कि किसानों को कटाई में किसी तरह की दिक्कत ना आए और रबी फसलों की बिक्री समय से हो सके। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होगी। जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन से जुड़ी कुछ झलकियाँ। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का कृषि दर्शन में स्वागत है और अब वक्त हो गया है सेगमेंट फार्मिंग इंडिया का।
नई दिल्ली में राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कोरोना की स्थिति में खरीफ फसलों की तैयारियों पर चर्चा करना और कदम उठाना है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 30 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2021 का आयोजन किया। जानकारी के लिए बता दें कि ये कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि राज्यों को कृषि के क्षेत्र में आ रही तकलीफों को, समस्याओं को निराकरण करे और उनको कोई परेशानी नहीं आए यह सुनिश्चित करे। फर्टिलाइजर हो, सीड्स हो, पेस्टिसाइड हो, अन्य प्रकार की योजनाओं से मिलने वाला राज्यों को लाभ हो, वह उस दिशा में लगातार कृषि मंत्रालय काम करता रहता है। और इस बार भी मैं राज्य सरकारों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। भारत सरकार पूरे मनोयोग के साथ, राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों का प्रयत्न लक्ष्यों को भी हासिल करेगा और कृषि के क्षेत्र को और प्रासंगिक बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। खरीफ सम्मेलन में राज्यों ने भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान दी गई छूट से किसानों को बिना किसी बाधा के कृषि कार्य करने की सुविधा मिली है। पिछले दिनों सभी किसानों ने मिलकर, राज्य सरकारों ने मिलकर दलहन पर काफी काम किया और उसके परिणाम भी परिलक्षित हुए। इस पर भी अभी काम करना हम सब लोगों को निश्चित रूप से और शेष है और उस दिशा में आप सब लोग योजना भी बना रहे होंगे और उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे होंगे। मुख्य रूप से जैविक खेती का विषय और जीरो बजट खेती का विषय हम सब लोगों के सामने रहता है। अभी लद्दाख की बात आ रही थी, लद्दाख पूरा ऑर्गेनिक है, सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट हो गया है और सभी राज्यों में ऑर्गेनिक का रकबा बढ़ाने का प्रयत्न चल रहा है। मैंने पिछले बार भी यह कहा था और हमारा केंद्र सरकार का मंत्रालय निश्चित रूप से इस दिशा में काम कर भी रहा है कि हम लोगों को राज्य में पहचान करना चाहिए कि हमारे राज्य के कौन कौन से हिस्से अभी ऐसे बचे हैं जो पूरी तरह ऑर्गेनिक हैं, जहां फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं हुआ है, उनको चिन्हित करके और केंद्र सरकार से समन्वय करके और उन क्षेत्रों को ऑर्गेनिक घोषित भी करना चाहिए, उन क्षेत्रों में ऑर्गेनिक रकबा बढ़े और उन क्षेत्रों के लोग जो उत्पादन करें उसको हम समय के अंदर मार्केट उपलब्ध करा सकें और वो किसान फ़ायदा ले सके और हमारा ऑर्गेनिक रकबा भी बढ़ सके। इस दिशा में भी मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को थोड़ा चिंता से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 307 मिलियन टन, तो मैं समझता हूँ कि ये लक्ष्य आप सब लोगों के सामने है। इस लक्ष्य को हम सब लोग मिलकर प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करें, ऐसी मेरी आप सब से अपेक्षा है। सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श से महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने, कृषि आदानों का मूल्यांकन और आवश्यकता एवं उनकी स्थिति का पता लगाने में सहायता हुई, जिससे महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सम्मेलन से देश में खाद्य उत्पादन के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप और कार्य नीति विकसित करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक नई किस्म तैयार की है, जिसका नाम है MACS 1407। ये किस्म न सिर्फ ज़्यादा उपज देगी बल्कि कीटों से भी इसको कम नुकसान होगा। किसानों को ये किस्म 2022 खरीफ सीजन के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी।
2019 के दौरान भारत में 9 करोड़ टन सोयाबीन की उपज हुई थी। भारत दुनिया के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देशों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा उपज देने वाली MACS 1407 किस्म इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार हो सकती है। इसी दिशा में काम करते हुए पुणे स्थित आघार कर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से सोयाबीन की नई किस्म तैयार की है। आघार कर संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। वैज्ञानिकों ने MACS 1407 किस्म को तैयार करने में पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग किया है। ये किस्म एक हेक्टेयर में 39 क्विंटल तक की पैदावार देने में सक्षम है। इसके अलावा ये गर्डल बीटल, लीफ माइनर, पत्ती लपेटक, तना छेदक, माहू, सफेद मक्खी और डिफोलिएटर जैसे कीट पतंगों से भी सुरक्षित है। इसका तना मोटा है और जमीन से 7 सेंटीमीटर ऊपर फली सम्मिलन होता है। इससे फली बिखरने की समस्या नहीं आती और मशीन से भी इसे आसानी से काटा जा सकता है। खास तौर से ये पूर्वोत्तर भारत की वर्षा आधारित परिस्थितियों के लिए भी उपयुक्त है। नई किस्म के लिए हुए अनुसंधान का नेतृत्व करने वाले ARI के वैज्ञानिक संतोष जयभाई का कहना है कि MACS 1407 ने सोयाबीन की अब तक की सबसे अच्छी किस्म की तुलना में 17% ज्यादा उपज दी है। इस किस्म की बुआई का सही समय 20 जून से 5 जुलाई के बीच है। यही वजह है कि ये मॉनसून की अनिश्चितताओं से भी बची रहती है। बुआई के 43 दिन बाद इस किस्म में 50% फूल निकल आते हैं। इसे परिपक्व होने में 104 दिन लगते हैं। इसमें सफेद रंग के फूल, पीले रंग के बीज और काले हालम होते हैं। इसके बीजों में 19.81% तेल की मात्रा और 41% प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें अंकुरण क्षमता भी बहुत अच्छी है। इन तमाम विशेषताओं की वजह से ही इसे बीज उत्पादन और खेती के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार कृषि के बुनियादी ढांचे यानी अवसंरचना को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए पिछले साल कृषि अवसंरचना कोष का गठन किया गया और इसके लिए 1,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को आर्थिक मदद मिल सके। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1,00,000 करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2021 से 2029-30 तक। 1,00,000 करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30,000 करोड़। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। ज्यादातर किसानों की सालाना आय बहुत कम है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15-20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में यह आंकड़ा 5-15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास करना है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्यवर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे।
किसान भाइयों, कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए तमाम मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। ऐसे ही एक मोबाइल ऐप के बारे में आज हम आपको बताएंगे, जिसका नाम है पीएम किसान मोबाइल ऐप। देश भर में किसानों तक पहुंच को और अधिक व्यापक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया। पीएम किसान ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पीएम किसान ऐप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आधारित एप्लीकेशन है। किसान मोबाइल ऐप को कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। भारत सरकार ने लघु और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई केंद्र क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शुरू की। सरकार द्वारा पीएम किसान ऐप के तहत कृषि योजनाओं की जानकारियां और लाभार्थियों तक उसकी पहुंच के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इस ऐप में योजना के लिए अनिवार्य स्व पंजीकरण, भुगतान की स्थिति की जांच और आधार के अनुसार नाम में सुधार करने की सुविधा भी उपलब्ध है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और किसान भाइयों को अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, तो आइए नजर डालते हैं ट्विटर अपडेट पर। कृषि अवसंरचना फंड यानी AIF कृषि प्रणाली से जुड़े सभी हितधारकों की सामूहिक शक्ति को एक साथ लाएगा। कृषि अवसंरचना फंड के आवेदनों ने 8000 करोड़ का आंकड़ा पार किया, 4000 करोड़ से अधिक को मंजूरी मिली। कृषि अवसंरचना फंड ने 8216 करोड़ के बराबर के 8665 आवेदन प्राप्त करने के बाद 8000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी पैक्स में 58%, कृषि उद्यमियों में 24% और अलग अलग किसानों में 13% का है। तो ये था कृषि जगत की जानकारियों से भरपूर हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आप चाहें तो कार्यक्रम से जुड़े सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और इसी के साथ आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।